हाय एवरीवन, तो हम फिर से आ गए एक नया व्लॉग लेके आपके सामने। और ये जो व्लॉग है, ये है हम सिंगापुर आए हुए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं क्रूज़ के लिए फॉर अ 3 नाइट्स। और हमने मॉर्निंग में 6 AM लैंड किया था और हमारा जो क्रूज़ है उसकी टाइमिंग थी शाम को 4-5 बजे के आसपास बोर्ड होने की। जो डिपार्चर है वो 7 है। तो फिर हमने एक होटल जो हमारी आइटनरी में नहीं था वैसे पहले से, क्योंकि इसके बाद हम तीन दिन रुकने वाले हैं सिंगापुर में, तो हमारी आइटनरी में था नहीं होटल। लेकिन हमने फिर आते हुए सोचा कि यार चलो यार कर लेते हैं, शाम तक कहाँ घूमेंगे, तो हमने ये होटल किया। बहुत अच्छा है, ऑर्किड होटल के नाम से है ये, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ऑर्किड या ऑर्चर्ड होटल। तो यहाँ की बहुत फेमस रोड है ऑर्चर्ड रोड, उसी पे है स्टार्ट में। और होटल भी नो डाउट बहुत अच्छा है। और ये सारा व्यू है होटल का मेरे पीछे, क्रिसमस के लिए इन्होंने सारा सजाया हुआ है बढ़िया वाला जिसे कहते हैं। इसके बाद आपको रूम की वीडियो डालेंगे और जो इसमें अगर कुछ कवर हुआ। सिंगापुर वैसे फेमस है अपने छोटे रूम्स के लिए, बट आई थिंक गुड साइज है। फिर भी जो हमने सुना है कि सिंगापुर में होटल रूम बहुत छोटे होते हैं, उसके हिसाब से मुझे फिर भी ठीक लगा कि इतना भी छोटा नहीं लगा कि अभी एक्सट्रीम छोटा है। टॉयलेट बाथरूम डिसेंट साइज है, मतलब ऐसा नहीं है। बट स्मोकिंग की स्मेल है मेरे को अंदर लगी, हाँ जैसे स्मोकिंग की हुई है किसी ने। व्यू पता नहीं कैसा होगा बाहर इस टाइम, पानी है तो वैसे अच्छा व्यू है हमारे रूम से, बट नो लॉबी है ये, इसमें कोई लॉबी नहीं है, बाहर सिर्फ विंडो काम चलाएंगे अभी थोड़ी देर, अगर सोया गया तो सो जाएंगे, अदरवाइज ब्रेकफास्ट या ब्रंच करके आएंगे बाहर। और कृष्णा खेल रही है, हाँ? कुछ बना दो खाने के लिए। कृष्णा पहले ही बोल चुकी है वो कट कर रही है अभी वेजेस, सोने के लिए नहीं आई। हम यहाँ का पूल एरिया इसे का होटल है, यहाँ पे चेस बनी हुई है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे तो हमारे पास पूल के लिए भी टाइम नहीं है, बट नाइस होटल, नाइस पूल, ग्लास लगा हुआ है वहाँ पे पूल में। ऑर्किड ऑर्चर्ड होटल, हमारी बिल्डिंग ये वाली है जिसमें हम रुके हुए हैं। और ये अलग अलग देखे से 2-3 बिल्डिंग है इसकी, इन्होंने क्रिसमस की अपने लॉबी में क्रिसमस की सेलिब्रेशन की हुई है, अच्छी की है काफ़ी। लेकिन जो यहाँ सीटिंग थी शायद इन्होंने जो यहाँ की सीटिंग थी वो हटा दी है। लेकिन तो हम दोबारा अच्छा, होटल लॉबी में आ गए और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का मरीना क्रूज सेंटर जाने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता है और पैसे तो लेते हैं अच्छे खासे, $65 लिए इन्होंने सिंगापुर डॉलर मरीना क्रूज के, हम 2.5 लोगों के। लेकिन जो गाड़ी है वो टोयोटा की अल्फार्ड है, जो बहुत बढ़िया गाड़ी, तो अब हम क्रूज़ टर्मिनल पे पहुंच गए हैं। और जो मुझे सबसे वियर्ड चीज़ लगी है, पहले ही हमारे पास बहुत सारे बैग हैं और यहाँ पे ट्रॉली अलाउड नहीं है। अच्छी खासी लाइन है अभी, पहले पता नहीं क्या है बैगेज पॉलिसी वाला सारा सिस्टम चेक करने के लिए। और ये इनका सॉर्ट ऑफ एयरपोर्ट टाइप का सारा सिस्टम बना हुआ है और अंदर इनका इमिग्रेशन वगैरह होगा मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पर बैगेज देखते हैं, अगर ये चेक इन कर लेते हैं यहीं तो हम कम से कम फ्री हो जाएंगे इनसे। अभी यहाँ पे 2 किलोमीटर चल रहे हैं, एक नॉर्विंग और एक चल रहा है जेंटिंग जिस पर हमने जाना है, तो इसीलिए सब होच पोच सा हुआ हुआ है। और सारा जो भी सेटअप है इनका ऑलमोस्ट एयरपोर्ट जैसा है, इमिग्रेशन ये वो सारा, जैसे पीछे मेरा इमिग्रेशन है तो यही सब है। और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट क्विक है, भीड़ है क्विक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फाइनली अब हम बोर्ड कर रहे हैं, काम धाम चेक करने अपने क्रूज़ में। और ये क्रूज़ है
खड़ा हुआ, डर लग रहा है मुझे अपना फ़ोन बाहर निकालते हुए, लेकिन बाइक मेरे हाथ से छूट गया। वेट कर रही है, पता नहीं कितने रूम है इनके, इनमें दिखाता हूँ। चली जा रही है, चली बड़ी है, और ऐसे ही पीछे है, और हमारा रूम पीछे रह गया 170 दिस वन। जाके देखते हैं कि है कैसा। टैप किया, खुल गया सिम सिम। ओके, देखते हैं कैसा है। ये है रूम, वाओ गुड। ये सोफा बड़ा है, अच्छा है, छोटा सा और कोजी सा रूम है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ। और इन्होंने ये इनकी नहीं टाइनी स्क्रूज पे तो इतना ही होता है, और आई डोंट नो कि लाइट कहाँ से चलेगी, इसी में इन्होंने ताम झाम दिया हुआ सारा। ट्राई करता हूँ मेहरबान की बुलाओ। ये लाइट जल गई, ये नहाने का बनाया हुआ इन्होंने, शॉवर स्क्रीन लगी हुई है, इसी में इन्होंने छोटे से में सब ताम झाम किया हुआ। आ जाओ, और ये मैं हूँ, ये रूम है, ये सोफा पड़ा हुआ है, इन्होंने कॉफी का सामान दिया है, और ये सामने मेरे ख्याल से सिंगापुर का बेस्ट व्यू मिला हमें, बहुत बढ़िया व्यू, जो सिंगापुर का व्यू है ना, जो माना जाता है मरीना पे, वो मिला यहाँ से तो कम से कम। अब ज़ूम चेक करते हैं इसका कैसा है, देख के कौन स्विमिंग पूल में ना रहा जी। टॉप हाउस भी हैं तो भाई, अभी हम रेस्टोरेंट ढूंढने आए हैं यहाँ पे, और ये अभी हम खाना खाने आए थे, और ये सोचते कि हम बहुत जल्दी हैं, ये हम बहुत पहले आ चुके हैं। पीछे लाइन देखो, ये मेरे बात लगे हैं लोग, और जो मूवी हो रही लाइन में, कम से कम 200-250 लोग होंगे मेरे आगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है, हर लाइन होती है हर कोई। तो ये था हमारा फर्स्ट डे क्रूज़ पे, जो हमने बहुत इन्जॉय किया। म्यूज़िक बहुत बढ़िया था जो बैकग्राउंड में चल रहा है, पार्टी वाला एकदम माहौल था आसपास, यू नो आपका क्रूज़ चल रहा है, आप बिल्कुल बीच समुंदर में हो, ये सब। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसको ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे दिखाएंगे और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज जो भी थे इसमें, और जो जो इसमें करने को था, जो हमने फन किया और ये सब। अभी के लिए गुड बाय, इन्जॉय करो ये व्लॉग।